नूरपुर के नए डीएसपी डॉक्टर साहिल अरोरा ने अपना पदभार संभाल लिया है। इससे पहले भी डलहौजी में बतौर डीएसपी अपनी सेवाएं दे रहे थे। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में नूरपुर क्षेत्र में नियमों की अवहेलना करने वालों को कानून का पाठ पढ़ाना तथा नशे के कारोबारियों पर नकेल कसना है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी कानून की अवहेलना हो रही हो तो क्षेत्र के लोग बेधड़क होकर कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और वे तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि नशे को लेकर हाल ही में पंजाब और हिमाचल पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है, जिससे काफी इलाके में नशे पर अंकुश लगा दिया गया है। जहां बाकी इलाके का सवाल है, वहां हमने दो तरह की मुहिमें छेड़ी हैं। एक तो पुलिस की ओर से कार्रवाई करना, पुलिस द्वारा अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। हमने अपने गुप्त सूचना देने वालों को भी अलर्ट कर दिया है, जो भी नशा बेच रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। दूसरा, हमने लोगों से भी मदद मांगी है, जिसके लिए नशा निवारण समिति का भी गठन किया गया है। इस समिति की हाल ही में बैठक की गई है। बैठक में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें लोगों को शामिल किया गया है। बैठक में लोगों से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास कोई भी नशे का धंधा कर रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। जानकारी मिलते ही पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन चालकों को भी चेतावनी दी है कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाएं। जो कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते पाया गया, उसका चालान काटा जाएगा। डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता पुलिस का साथ दे, पुलिस हमेशा आपके साथ है। तो नशे को लेकर हाल ही में पंजाब और हिमाचल दोनों ने मिलकर कई एरियाज में ज्वाइंट कार्रवाई करी है, जिससे काफी हद तक हमने कई एरियाज में नशे पे अंकुश लगा दिया है। जहाँ की बाकी एरियाज का सवाल है, इसमें हमने दो तरह की मुहिमें छेड़ी हैं। एक तो अप्रोच है पुलिस की तरफ से लोगों पे एक्शन लेना, उसमें हमने अपनी पेट्रोलिंग टीमें बढ़ा दी हैं, अपनी चौकसी बढ़ा दी है, हम अपने इन्फॉर्मर्स हमने सेट कर दिए हैं और जो जो आदमी यहाँ पे नशा बेच रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। सेकेंडली, हमें लोगों की तरफ से भी मदद चाहिए थी, जिसके लिए हमने नशा निवारण समिति का गठन किया है। इसकी मैंने मीटिंग अभी परसों इंदौरा थाने में ली और नूरपुर थाने में इसकी मीटिंग ली। मीटिंग में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें हमने लोगों को शामिल किया है। लोगों में से आपके स्टूडेंट्स जो की हैं उनको हमने शामिल किया गया है, कोई सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं उनको हमने शामिल किया है, पंचायत प्रधानों को इसमें शामिल किया गया है और भी लोग जो कि समाज सेवी लोग हैं, जो समाज की भला चाहते हैं, उनको भी हम इस ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। हमने मीटिंग में लोगों से ये अपील करी कि कोई भी आदमी अगर आपके पास अवैध शराब का धंधा कर रहा है, अवैध नशे का सेवन कर रहा है या अवैध नशा बेच रहा है, हमें तुरंत उसकी जानकारी दें। और उसकी जानकारी मिलते ही हमने उनको ये आश्वासन भी दिया कि हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।